मैं सुरेंद्र प्रजापति आप सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता था, यह मेरा दायित्व बनता था कुछ चीजें आप सभी के सामने ला रखूं। गोरखपुर के इतिहास का, विश्वविद्यालय के इतिहास का, जो शायद फाइलों में दबकर रह चुका है, मैं ऐसे इतिहास के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। शायद आप सभी को सोच करके सुन करके बहुत हर्ष होगा, अपार हर्ष होगा आप सभी को, जो खास करके गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंध रख करके देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार। मैं ऐसे महामानों की बात करने जा रहा हूं जो इस जल की कलकल कलती जलधारा के साथ निस्वार्थ भाव से प्रभावित हो रहे थे। वह तो अपना जल, अपना ज्ञान रूपी जल सभी को देना चाहते थे। वह तो ना तो धर्म जानते थे, ना जाति, ना पाति, ना देश, ना राज्य, कुछ नहीं जानते थे। वह तो बस अपना ज्ञान हर वर्ग को, हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वह तो इस हवा की झोंके के समान थे जो अपने हवा से हर व्यक्ति को, जो थक करके हार करके बैठ गया है, उसको भी वह सुकून दे करके उसे भी ऊर्जावान करने का प्रयास कर रहे थे, अपने ज्ञान से संचित कर रहे थे। मैं ऐसे महामानों की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे महामानों की बात कर रहा हूं जो सूर्य के समान हर शरीर को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश दे रहे थे। वह चाहे किसी भी जाति, धर्म, देश, समुदाय, किसी का भी हो, अगर वह अपना खिड़की खोल रहा है तो निस्संदेह वह अपना ज्ञान देने का प्रयास करते थे। उस खिड़की के माध्यम से, झरोखे के माध्यम से हर किसी के मन में जाने का प्रयास करते थे अपने ज्ञान से। मैं ऐसे महामानों की बात कर रहा हूं, वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय डॉक्टर आद्या प्रसाद जी थे। जी हाँ, स्वर्गीय डॉक्टर आद्या प्रसाद जी, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत हर्ष होगा इनकी, इनके आइडियोलॉजी को जानकर, इनकी फिलॉसफी को जानकर के, इनके दर्शन को जानकर के, इनके समाज में काम करने के शैली को जानकर के, ये क्या सोचते थे देश के बारे में, क्या समस्त मानव प्रजाति के बारे में क्या सोचते थे, इनके क्या दर्शन थे और क्या स्थापित करना चाहते थे इस समस्त मानव प्रजाति के सामने, मैं ऐसे महामानों की बात कर रहा हूँ। इनका जन्म की अगर बात करें तो परसिया इंद्रपुर गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद भी इनकी पढ़ाई, इनकी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूल में होती है, प्राइमरी से लेकर के इंटर तक जो शिक्षा होती है ये अपने सरकारी स्कूल में ग्रहण करते हैं। इनके पिताजी ने कहा था एक बार कि बेटा तुम कन्वेंट में चले जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, ये मैं अपने संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने सरकार के साथ कहीं ना कहीं गलत करूंगा, मुझे पढ़ने दीजिए, यहाँ पे उनसे ज्यादा शिक्षित लोग मिलते हैं, इनसे ज्यादा हायर लोग मिलते हैं, मुझे सरकारी में ही पढ़ने दीजिए। उस समय की सोच उनकी इतनी बढ़िया थी कि शायद आज हम सभी इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो उस समय इंटर, प्राइमरी से लेकर के इंटर तक जो शिक्षा थी उन्होंने सरकारी स्कूल में ग्रहण की। उसके बाद जब इनको हायर एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करने के लिए गोरखपुर उसमें विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था, गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ था, तो उसमें बीएचयू जाते हैं और बीएचयू में मनोविज्ञान से बी और एमए की पढ़ाई करते हैं। बी एमए की पढ़ाई करने के बाद उनकी पढ़ाई वहां पूर्ण हो जाती है, उस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है और गोरखपुर विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू हो जाता है। तो वहां से छोड़ करके एमए की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद हायर एजुकेशन यानी शोध का कार्य करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में आते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब शोध कार्य के लिए आते हैं, मैं बता दूं आप सभी से कि महादेवी वर्मा के भाई एम वर्मा जी हुआ करते थे उस समय मनोविज्ञान विभाग में अध्यक्ष, उन्हीं के अंदर रह करके इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा मतलब शोध कार्य इन्होंने एम वर्मा के अंदर रहकर शुरू किया। एम वर्मा के अंदर रह करके इन्होंने शिक्षा, जो हायर एजुकेशन की शिक्षा थी उन्होंने यहाँ पे ली, पीएचडी इन्हीं के अंदर रहकर किया इन्होंने। पीएचडी इनका इतना टफ था, इनका जो विषय इन्होंने चुना था वो बहुत ही टिफिकल था, बहुत ही कठिन, बहुत जटिल था, लेकिन उन्होंने लास्ट तक पूरा किया।
और जैसे ही पीएचडी पूर्ण कर लेते हैं ऐसे विदेशों से ऑफर आने लगते हैं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड से, कि आप यहाँ पर आकर के, हमारे यहाँ आकर के अपनी शिक्षा दीक्षा दीजिए। देखिए ना इस महामानव ने कितने विनम्रता पूर्वक बातों को ठुकरा देते हैं। शायद आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे, आज की युवा पीढ़ी कभी नहीं कल्पना कर पाएगी, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ये सोचती है कि इंडिया में शिक्षा ग्रहण करके विदेश की तरफ रुझान करके देखती है, अपनी उम्मीदें ग्रहण विद्या तो इंडिया में रह करती है, भारत में रह करती है, लेकिन नौकरी के लिए आस लगाती है विदेशों को कि मुझे विदेश में जाकर नौकरी करने का सौभाग्य मिल जाए। अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं ऐसे युवा, लेकिन उस समय उनकी फिलॉसफी थी, उनकी आइडियोलॉजी उस समय थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे विदेश में शिक्षा नहीं देनी, मैं अपने माटी के साथ, अपने देश के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी संस्कृति के साथ बगावत करूंगा। ये ऐसा जगवंत अपराध में कभी नहीं कर सकता। उन्होंने नए देश खारिज कर दिया इस चीजों को। उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा यहीं पे ली है और मैं अपने लोगों में इसको प्रसारित करूंगा, अपने लोगों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करूंगा, अपने लोग शिक्षित करूंगा, अपने लोग जागरूक करूंगा, ताकि वो भी अपने देश में, अपने राज्य में रह करके उस चीजों को समझ सके, उस चीजों को जान सके। उस समय उनकी फिलॉसफी इतनी बढ़िया थी, शायद कोई नहीं सोच सकता है। ऐसे महामानव हम सभी के बीच थे। उसके बाद इन्होंने, जब इनकी चीजें पूरी जाती है, तो जाकर के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनकी नियुक्ति हो जाती है। वहां से लंबा दौर चलता है, लंबा कार्यखंड चलता है उनका, और वहां पर रह करके उन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, शायद आज सभी लोग नहीं जानते होंगे, शायद मैं भी कुछ चीजें नहीं जान पाया हूं अभी, कुछ चीजें मुझको मिल पाई जितना मैं खोज पाया हूं लॉकडाउन के दौरान, उतना आप सभी साझा कर रहा हूं। उस समय जब दिग्विजयनाथ में ये प्रोफेसर हुआ करते थे, उसके साथ ही साथ इन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए शिक्षा के क्षेत्र में, शायद वो उनका गिनना बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा, उनके पन्नों में समेटा नहीं जा सकता उनके कीर्तिमानों को। कुछ चीजों को मैं जिक्र करना चाहता हूं। वो चीजें हैं कि गोरखपुर में संस्कार भारती कला और साहित्य के लिए जो कार्य करती है, गोरखपुर महानगर में स्थापना सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था। उसके बाद लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे ये, और उसके बाद मैं और भी कुछ चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ। कुछ किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं जो आज बहुत ही प्रासंगिक हुई हैं किताबें। वो किताबें हैं मनोविज्ञान प्रयोग, उस समय के दौरान उन्होंने मनोविज्ञान प्रयोग के नाम से किताब लिखी थी, और एक इंटर के लिए और बीए के लिए उस समय किताब हुआ करती थी, उन्होंने रखा था सामान्य सरल मनोविज्ञान। सामान्य सरल मनोविज्ञान किताब उन्होंने लिखी थी, वो जो इंटर में चला करती थी और बीए में चला करती थी। उस समय जब बीएड का क्लास चला करता था, बीएड की कक्षाएं चला करती थी, बीएड के लिए उन्होंने कुछ विषय में किताबें अपनी लिखी थी जो बहुत ही प्रासंगिक किताबें हुई थी उस दौरान। अधिगम का मनोविज्ञान, अधिगम का मनोविज्ञान इन्हीं द्वारा रचित किताबें हैं जो उस समय बहुत प्रासंगिक हुआ करती थी, बहुत अधिक मात्रा में लोग उसको पढ़ते थे। शायद आज का दौर थोड़ा सा बदल गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए शिक्षा में समावेशीकरण हो गए हैं, तो शायद कुछ चीजें अब नहीं हो पाई हैं। कुछ पत्रिकाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूँ इनके, जो इन्होंने कुछ पत्रिकाएं लिखी थी, वो बालस्वर, बालस्वर एक पत्रिका निकलती है गोरखपुर से, जिसके संपादक और संस्थापक भी रहे हैं बालस्वर पत्रिका के। बालस्वर पत्रिका के संस्थापक और संपादक होने के नाते इन्होंने बालस्वर की पत्रिका को ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए जो शायद आज के दौर में ही बहुत प्रासंगिक है। उसके बाद नवधारा एक पत्रिका निकलती थी, उसके भी संपादन का कार्य इन्होंने किया और उसको भी नए नए ऊंचाइयों पर ले गए उसको, नवधारा पत्रिका को। उसके बाद अरावली एक पत्रिका निकलती थी, उसके भी ये संपादक रहे थे, अच्छे अच्छे लेख उसमें उनके द्वारा पढ़ने को मिलता था अरावली पत्रिका में। उसके बाद नाद करके एक पत्रिका आया करती थी, उसमें भी उन्होंने संपादन का कार्य किया। सरस्वती शिशु मंदिर में प्रबंध समिति के सदस्य भी लंबे दौर तक ये रहे और लंबे दौर तक सुझाव का कार्य करते रहे। उसके बाद मैं एक वाक्य इनका जिक्र करना चाहता हूँ। इनका एक आर्टिकल जब मैं पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आर्टिकल, मैं आप सभी साझा करता हूँ। उन्होंने
एक आर्टिकल में कहा था, शिक्षा पे उनका आर्टिकल लिखा हुआ था, क्योंकि वो मनोविज्ञान से थे तो शिक्षा पे काफी चीजें लिखी थी इन्होंने। तो मैं उसका आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि उस आर्टिकल के निचोड़ आप सभी के सामने एक लाइन में रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा चीजें हैं, शायद उनको पढ़ पाना 5-10 मिनट की वीडियो में शायद नाइंसाफी होगी मुझसे, इस वजह से मैं उनके कुछ चीजों को रखना चाहता हूँ आप सभी के मन मस्तिष्क पे। उन्होंने कहा था कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में जितनी शिक्षा ग्रहण करता है 95% वह अपने सामाजिक वातावरण से शिक्षा ग्रहण करता है, मात्र 5% जो शिक्षाएं होती है वो स्कूल शिक्षा से मिलती है। तो व्यक्ति का परिवेश कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसके वातावरण के रहने में लोगों की आइडियोलॉजी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। व्यक्ति के या बच्चों के विकास पूरी तरह स्कूलों पर नहीं थोप सकते हैं, वहां तो केवल मात्र 5% बच्चा सीखता है जो कुछ किताबी ज्ञान होते हैं, जो शायद वो उस समाज से अनभिज्ञ है, वो जो बस सीखता है, बाकी सारी चीजें तो उसको समाज से ही सीखनी है। तो उन्होंने कहा था कि 95% जो शिक्षा होती है वो मानव अपने समाज से सीखता है, 5% जो शिक्षा होती है वो कुछ शिक्षा से होती है। कुछ चीजों का मैं और जिक्र करना चाहता हूँ, ये खास करके किसी धर्म किसी चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, अडम्बरों पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। जैसे जब ये स्कूल जा रहे थे उससे एक वाक्य मुझे याद आता है कि मैं डिस्कशन हुआ तो इनके पुत्र सुपुत्र जो थे आदरणीय हमारे बड़े भैया रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी ने उस चीज को बताया था कि उन्हीं के द्वारा बात हुई तो मुझसे पता चला कि ये भी चीजें थी। तो उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल में जा रहे थे तो उस दौरान एक पंडित जी उनको मिले तो कह रहे बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि गुरु जी मैं जो स्कूल जा रहा हूँ अभी, और कह रहे सुनो सुनो कुछ तुमसे बात करनी है मुझे, 2 मिनट रुक जाओ। तो रुकते हैं, बोले हाँ बताइए पंडित जी क्या बात है। तो बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, बता स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ बाबा मैं स्कूल जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, कहा कि अच्छा लाओ तुम्हारी हाथ की रेखा देखते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि देखिए, तो बाबा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे रेखा में तुम्हारे हाथ की रेखाओं में तो है ही नहीं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबा मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन खैर आपने कहा है कि मेरे नसीब में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य नहीं है, मैं सुगला ठहरा दूंगा, और वो जो नहीं लकीरी जो मेरे हाथ में नहीं है ना मैं उसको बना दूंगा। तो निसंदेह बाबा जी ने उन्होंने कहा था बाबा जी से, बाबा जी आप भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा, और मैं आपको ये लकीरें बना करके ही दिखाऊंगा, जिन्होंने आपने कहा ना कि लकीरें मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसको बनाकर दिखाऊंगा, और उस चीज को सिद्ध करते हैं। गोरख विश्वविद्यालय से हायर एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करते हैं और प्रथम पेज धारक होने का तमका भी नहीं मिल जाता है। तो ये कहते थे कि आपकी आपका नसीब आपकी रेखाओं में नहीं है, आपका नसीब अपना खुद आप बनाइए, अपने नसीब खुद अपने हाथों में रखिए, रेखाओं में नहीं। तो ऐसे इनके दर्शन थे, ऐसी इनकी आइडियोलॉजी थी, बहुत सारे इनके विचार ऐसे हैं जो हम सभी को आज पढ़ना चाहिए, हम सभी मानव को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि उस समय वो क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, क्या चीजों को हम सभी के सामने रखे थे। इसके बाद मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि जो एक बहुत बड़ा जो जमींदार परिवार से बिलोंग करने के नाते भी ये इनका जो वेशभूषा रहा करती थी ना, वो मात्र धोती और कुर्ते पूरी जिंदगी बिता दी गई, कोई शोनो शौकत नहीं, कोई दिखावा नहीं कि हम बहुत बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते, मात्र एक धोती एक गमछा और एक कुर्ता हुआ करता था इनके शरीर, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ करता था। 1910-1990 में जब ये शिक्षा कार्य से रिटायर होते हैं, सबसे बड़ी चीज इनके साथ और भी एक हुआ करती थी, वह हुआ करती थी वो कभी भी अपने से छोटे या बड़ों को बहुत सम्मान देकर बुलाया करते थे, कभी भी इनकी जुबान पे तुम का शब्द नहीं आया करता था, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको आप कहकर बुलाया करते थे। और खास करके एक चीज मैं और आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, वो चीजें हैं कि कलाकारों साहित्यकारों का बहुत अधिक सम्मान करते थे, हर समय इनके साथ कलाकार साहित्यकार एक ना एक दो लोग ऐसे मिल जाते थे इनके साथ जो कलाकार और साहित्यकार हुआ करते थे, इनके इर्द गिर्द घूम के रहा करते थे वो लोग। और जो 90 के दशक में जब रिटायर हो जाते हैं ये, तो रिटायर होने के बाद ये एक स्कूल खोलने की कल्पना करते हैं, तो इनके जो मित्र मंडली हुआ करती थी तो मित्र मंडली के साथ उन्होंने डिस्कशन किया कि भाई मुझे स्कूल खोलना है। तो उनको ने कहा कि आप कहाँ खोलना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं भाई अपने गांव में खोलना चाहता हूँ स्कूल।
तो कहते गांव में तो भाई बहुत पिछड़ा इलाका है, आप वहाँ वहाँ स्कूल खोलेंगे, कोई कुछ होने जाने वाला है नहीं वहाँ से, तो आप गोरखपुर में खोलिए ना, आप गोरखपुर में विश्वविद्यालय वहाँ पे आप प्रोफेसर भी रहे, आपको लोग जानते भी हैं, तो सकता है यहाँ बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए चांस। उन्होंने कहा कि मुझे शिक्षा के साथ कभी चांस नहीं लेना है, शिक्षा का मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, शिक्षा का मतलब होता है कि अपना ज्ञान आप कितने तक पहुंचा रहे हैं, किस व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका मतलब ये था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने गांव में ही खोलूंगा और सिद्ध भी करूंगा इस चीज को। तो अपने गांव पिपरी लाला में जाते हैं और सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करते हैं और लग जाते हैं उसी में एक कर्मयोगी की तरह और सिद्ध कर देते हैं। उन्होंने कहा था भी उस मित्रों के जब मीटिंग हो रही थी मित्रों के साथ, उन्होंने कहा था कि मित्र ज्ञान वह चीजें हैं जो समाज की हर कड़ी तक पहुंचना चाहिए। समाज ज्ञान का ये मतलब नहीं कि एक किसी शहर में ही रह करके उन लोगों से चित किया जाए, गांव का एक बहुत बड़ा तबका भी हमारे साथ है जो शायद हमारी शिक्षा से हमारे ज्ञान से वंचित हो जाता है, शायद उस ज्ञान को नहीं ले पाता। तो मेरा कर्तव्य है ये कि मैं अपना ज्ञान उन सभी तक पहुंचाऊं, वो सभी मेरे ज्ञान से लाभान्वित हों, शायद वो भी शिक्षा से कहीं कोसों दूर न रह जाएं। इसलिए वो वहां पे स्थापना करते हैं, लंबा दौर उनका रहता है उस दौरान। और उनके साथ अगर मित्र मंडली की बात की जाए तो वो अच्छे अच्छे मित्र के साथ रहा करते थे। इस समय वर्तमान कुलपति जो डॉक्टर रामचल सिंह जी हैं, इनके मित्रों में सबसे खास मित्रों में सूची में हुआ करते थे ये। उसके बाद द्वारिका प्रसाद तिवारी जी जो इस समय गोरखनाथ मंदिर के सचिव हैं, वो भी इनके मित्रों में सबसे अग्रिम भूमिका में रहा करते थे। हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद सिंह जो हैं, ये भी इनके मित्रों में सबसे खास हुआ करते थे, जो इस समय भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के सदस्य भी हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत लंबा इनका लिस्ट है, मैं कुछ लोगों का जो मिल पाया जो मेरे गिर्द रहे घूम करके, तो मैं उसका जिक्र किया हूँ आप सभी से। और चीजों को मैं रखना चाहता हूँ आप सभी के सामने। जब वो स्कूल की स्थापना कर देते हैं, लगातार लगे रहते हैं और एक अच्छी प्रतिष्ठित स्कूल वहां बना देते हैं प्रीलाला में, काफी अधिक संख्या में वहां पे कम से कम 1000 बच्चों को पढ़ाया करते थे वो। उसके बाद एक ऐसा दौर आया वो जो जय गुरुदेव जी की यात्रा निकलती है, जय गुरुदेव जी की पद यात्रा निकलती है, तो उस पद यात्रा में ये जाते हैं और उस पद यात्रा में जाने के साथ उसी दौरान पदयात्रा के दौरान ही ये मूर्छित जाते हैं और मूर्छित होकर के अपने पांव को त्याग देते हैं। तो आज के दौर में ऐसे महामानों का होना बहुत दुर्लभ। शायद वो अभी अपनी 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 जान को त्यागे नहीं है, अपने प्राण को त्यागे नहीं है, मानो अभी चल रहे हैं एक लंबी यात्रा, एक लंबी यात्रा की तरफ। लंबी यात्रा 4 जून 2003 वो समय था जिस दौरान ये पद यात्रा के दौरान अपने प्राणों को त्याग देते हैं, और 4 जून के दिन ही इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। मैं ऐसे महामानों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। इसी के साथ हमारे साथ पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राइफलमैन, जीडी के पद पर तैनात इस समय हैं अजय कुमार प्रजापति जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो अपने रेखा चित्रों के माध्यम से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं। आइए देखते हैं उनके रेखा चित्र, उनका श्रद्धासुमन के प्रति समर्पण।